तो गाइस पार्किंग में तो आ गए हैं, लेकिन मनीषा फिर अपना वो क्या कहते हैं ना कि बिल्डिंग का रास्ता ही भूल गई कि किधर से इसको जाना है कॉलेज में, और मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। गाइस तो आज पहली बार हम लोग टाइम पे पहुंचे हैं, वो भी बिफोर टाइम, फिर 20 मिनट का टाइम है और ब्रेकफास्ट हम लोग यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हैं। सो ये आ गया मेरा मसाला डोसा, मनीषा खाओ। सो गाइस अब हम लोग सीधे कॉलेज से पहुंच गए हॉस्पिटल में, यहाँ पे। सो गाइस इनको देखिए पहले आप, ये क्या क्या अभी डिस्कस करते जा रही हैं। सब हम लोग पहुंच चुके हैं फर्नीचर शॉप में। एक्चुअली मुझे एक टेबल लेना था, क्योंकि लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए, कंप्यूटर पर बैठ के काम करने के लिए एक टेबल चाहिए, और इसको भी पढ़ने वढ़ने के लिए। देखिए कहाँ बैठी हुई है, मीनवाइल भी बैठी हूँ। ये वो टेबल है छोटा सा जो हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार का डिक्की खोल दिए हैं ये, और डिक्की खुला हुआ है कार का। मैं कार के पास ले चलती हूँ आप सबको इससे पहले। वो ये वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मैं जैसे गई खोलने के लिए मेरा पैर इसमें धंस गया, और उसके बाद मैं आप सबको लेके चलती हूँ यहाँ कार का डिक्की। देखिए आप लोग कैसे मिस्टर राज खोल के रखे हुए हैं, कि जब इसमें वो जो हम लोग लिए हैं वो ला के इसमें रखे हैं। तो हम सोचे कि चलो भाई हम बैठ जाते हैं इस डिक्की में, और आप वीडियो बना देना, बोलना कि इसको डिक्की में लेके आए हैं। क्या है कि आज मैं गई क्लास में, मैं अपना क्लास का बात बता रही हूँ। हाँ, तो आज मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि आज मेरा कॉलेज का सेकेंड डे था, और कॉलेज के सेकेंड डे में क्या हुआ। मैं कॉलेज तो गई, मेरे को पता नहीं था फर्स्ट डे की कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोरोना टेस्ट हो चुका था पहले भी, और उसका रिपोर्ट था वो नहीं था। एक्चुअली कॉलेज में रिपोर्ट देना होता है, तो मैं रिपोर्ट अभी ली नहीं थी। फिर मेरे को कोरोना टेस्ट आज कराना पड़ा, क्योंकि आज मेरा कॉलेज का सेकंड डे था। और जब मैं कॉलेज गई तो क्या हुआ कि कॉलेज आने के बाद सबसे पहले उसमें कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए होता है, तो उस दिन तो मैम देख ही नहीं थी, लेकिन आज मैम को पता चला। मैम बोल रही हैं कि कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लाओ बेटा, और कोरोना टेस्ट का तो रिपोर्ट मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या करती। फिर मेरे को बहुत बेकार लगा, और बहुत एक्साइटेड होके मैं गई थी आज सेकेंड डे अपने कॉलेज, लेकिन मेरा मूड ही पूरा ख़राब हो गया जब मैं क्लास में नहीं बैठी, क्योंकि एनाटॉमी का जो प्रैक्टिकल होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और वो क्लास में की नहीं, इसलिए थोड़ा मेरा मूड ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है आज। फिर हम लोग गए बाहर, बाहर से कोरोना टेस्ट भी कराएं। कोरोना टेस्ट में क्या हुआ, पूरा मेरे यहाँ तक कोरोना, वो जो रुई होता है इतना बड़ा सा, वो यहाँ गले में ले गया, फिर मेरे एक नाक में ले गया, और पूरा मेरा आँख से आंसू आ गया। आप लोग को पता है जो लोग कोरोना टेस्ट कराए होंगे वो लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब मेरा कोरोना टेस्ट हुआ तो पूरा मेरा आँख से आंसू आ गया था। और उसके बाद मैं आ गई, आज मैं क्लास नहीं की, लेकिन कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट शायद परसों तक आएगा, तब तक मैं क्लास नहीं करूँगी, टीम से ही क्लास करना पड़ेगा मुझे। और मैं ये सब बातें आप सबको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी अच्छा लगता है ये सब कुछ सुनना। तो अभी मैं मार्केट में ही आई हूँ, अभी घर जाना है बहुत जल्द, और ठंड भी ज़्यादा बढ़ रहा है। शाम को इतना ठंड, दिन में तो लग रहा था कि ठंडी नहीं है, और शाम में इतना ठंड बढ़ गया। उस पे से ये मिस्टर राज कह रहे हैं कि चलो पहले मेरे को वो लेना है टेबल, क्योंकि मैं उस पर बैठ के अपना लैपटॉप चलाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। हम बोले चलो भाई ले लीजिए आप। उसके बाद से फिर मैं गई कहाँ पे, अपना ड्रेस सिलवाने जहाँ दी हूँ मैं, वहाँ गई। तो मैं भैया से बोली कि भैया आप मेरा ड्रेस जल्दी से दे दो यार सिल के, क्योंकि कॉलेज में हमारे टीचर अलाउ नहीं कर रहे हैं सिविल ड्रेस में जाना। तो वो बोले कि अभी तो आज मिल नहीं पाएगा, और कल सुबह में भी नहीं मिल पाएगा, कल 12 बजे के बाद आना। फिर मैं बोली यार मूड बिल्कुल मेरा ख़राब हो रहा है, और तो और उसका जो दुपट्टा होता है यहाँ भाई बहुत मुश्किल होता है दुपट्टा लेना, तो कॉलेज का मैं जो
जो मेरा यूनिफॉर्म है उसका दुपट्टा लेने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, और अभी तक मैं दुपट्टा भी नहीं ली हूँ क्योंकि यहाँ पे वाइट दुपट्टा लेके कलर कराना पड़ता है, और हमारे यहाँ हमारे घर बिहार में तो ऐसा होता ही नहीं है, जिस कलर का चाहो वैसे मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है शायद लेना, तो वो भी मुझे लेना है अभी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द मेरा ड्रेस सिला जाता ताकि बढ़िया भी रहता। और तो और मैं अब क्या बोलूँ, मेरा मुंह दुख गया इतना बोलते बोलते, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है कि मेरा क्लास ऑफलाइन तो इतना दिनों के बाद हुआ है और मैं क्लास नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना बक बक कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि बड़ा ही अजीब लगा आज मेरे को, मैं बहुत कुछ सोच ही जा रही थी कि आज मैं पढ़ूँगी, आज क्लास में ये कुछ सुनाऊँगी, बॉडी नेम ये सब कुछ, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, फिर मेरे को ऑप्टिम्स पे क्लास करना पड़ेगा। और आज मैं बैग भी लेने गई थी कॉलेज बैग, तो कॉलेज बैग में क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज बैग लेने के लिए गई थी तो कॉलेज बैग मेरे को कोई भी पसंद नहीं आया, कोई भी पसंद नहीं आया, फिर मेरे को ऑनलाइन कॉलेज बैग देखना पड़ा, और ऑनलाइन में मेरे को एक ब्लैक कलर का बैग पसंद आया, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी, अभी आया नहीं है लेकिन वो भी आने वाला है बहुत जल्द, तो आप लोग देखना, फिर आप लोग सारे मेरे को यूनिफॉर्म में देखोगे, वो भी परसों, आज नहीं कल नहीं परसों, तो जिन जिन लोगों को देखना है प्लीज़ बताना। और ये देखिए मिस्टर राज कैसे लेके जा रहे हैं, मिस्टर राज नहीं है यहाँ की स्टाफ है, और ये लेके कैसे चल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, कार में डिक्की में रखने के लिए मैं बोल रही थी जिसे आगे रख दो डिक्की में मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन ये तो मेरे को बैठने नहीं दिया, और इतना बड़ा सा दिखने में लग रहा है, अब देखते हैं कैसे डिक्की में, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि आ पाएगा, लेकिन ये पता नहीं कैसे डिक्की में इसको लाए जा रहे हैं। और बगल में आप लोग देख सकते हैं पानी पूरी वाला भी वहाँ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी, लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ क्योंकि पानी पूरी जब भी मैं खाती हूँ मैं पंचर हो जाती हूँ, मतलब तबीयत मेरा ये होने लगता है, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं देख रही हूँ ट्राई करने के लिए कि मैं खाऊँगी तो नहीं, और मैं आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कॉलेज में मैं गई थी, ये ऐसे मेरा बैग भी नहीं था अभी यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही हाथ में कॉपी लेके जा रही हूँ कॉलेज तो मेरे को बहुत ही अजीब लगा भाई, बंद नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कितना कितना लंबा वीडियो बना दे रही है, और मेरी कहानी बता दी, कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आया आज की, आपको ये चीज पता ही है कि आज मेरा कॉलेज का सेकेंड डे था, उसमें भी मैं कॉलेज नहीं गई, तो कोविड क्यों नहीं गई, क्योंकि मेरे पास कोविड रिपोर्ट था नहीं, और आज अब बहुत जल्द मेरा बैग भी आने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे हाथ में बैग लेके जाती थी, आप लोग देखे होंगे थंबनेल में भी बहुत सारे लोग हाथ में ऐसे कॉपी लेके जाती थी, लेकिन इसको मैं ऐसे ही रखी हूँ, बेचारा मेरा कॉपी आज ऐसे ही है, बोल रहा है कि मेरे को कॉलेज में जाना था, तुम इधर उधर घुमा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और घर चल के देखते हैं क्या करना है, पहले तो सेट करेंगे और ये लैपटॉप चलाएंगे अब मजे में, आ चुके हैं घर, और इनको देखिए डिक्की तो इतना बड़ा खोल दिए हैं जैसे लग रहा है कोई शोरूम खोल दिए हैं, और ये देखिए कैसे इसमें रखे हुए हैं इसको, बेचारा ये रो रहा है इतना बड़ा डिक्की में मैं कैसे आ गया इसको उठा के ला दिए, इसके मम्मी पापा सब वहाँ पे हैं, हाँ इसके मम्मी पापा हैं टेबल के, इस बेचारे का टेबल रो रहा है, इसका आंसू पोंछ देते हैं, और इनको देखिए इनसे उठ नहीं रहा है गाइस, उठ नहीं उठ रहा है, उसका नट खुला हुआ है, वो देख रहा है डिक्की, मेरे को मेरे से अच्छा डिक्की कोई नहीं बंद करता होगा, और इनको अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये रहा मेरा टेबल, और इसमें की भी है, इसको ऐसे खोलेंगे लेकिन ये अभी खुल नहीं रहा है, इसको खोलने के लिए सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर ये खुल गया, और आप लोग बताना ये कैसा रहेगा मिस्टर राज के लिए, इस पे ये लैपटॉप चलाएंगे, और अभी इस ये देखिए सीट को कैसे अंदर कर रहे हैं, इनका एक्सप्रेशन देखिए, अपने लिप्स को एकदम मैसे करके करते हैं, और देखिए 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 मुंह देखिए इनका, मार के
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 3 और आज थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 8 से ऊपर हो चुका है। सो गाइज, कल ये लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों को अगर मतलब अभी जो ब्लॉग आपने देखा वो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए, टाइम टू वेक अप। गुड बाय।